मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की पाठ, वो है भारा औ की मात्रा। तो बच्चों, आपने अभी तक की स्वरों की मात्राओं को पढ़ते आ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के और एक मात्रा, वो है औ की मात्रा। तो बच्चों, सब लोग अपना पेज टेक्स्ट बुक खोलिए, पाठ 12 खोलिए। पहला चित्र है पौधा, पौधा मीन्स प्लांट। बाद में है लौकी, लौकी मीन्स बॉटल गॉर्ड। ये एक सब्जी, सब्जी मीन्स वेजिटेबल है। उसके बाद में है चौकीदार, चौकीदार मतलब है वॉचमैन। आपने देखे होंगे ना, रात की समय पे जो वॉचमैन अपना ड्यूटी करता है, या कहीं पे बैंक में या कहीं पे सरकारी ऑफिस में देख सकते हो, या किस बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में या फ्लैट के पास में जो देखभाल करते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, चौकीदार कहते हैं, वॉचमैन कहते हैं। बाद में है तौलिया, तौलिया मीन्स टावल। बाद में नीचे है पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। नौका, नौका मीन्स बोट। मौका, मौका मीन्स चांस। मौसम, मौसम का मीन्स वेदर। हथौड़ा, हथौड़ा का मीन्स है हैमर। खिलौना, खिलौना मीन्स टॉयस, कौन सा भी खिलौना हो सकता है। औजार, औजार मीन्स टूल्स। औषधि, औषधि का मतलब है मेडिसिंस। सौदागर, सौदागर का मतलब है मर्चेंट। तो बच्चों, आपने यहाँ पे औ की मात्रा से बने वाले बहुत सारे शब्दों को पहचान लिए हैं। परीक्षा में मैं कुछ शब्द दे सकती हूँ, उनमें से कुछ औ की मात्रा, कुछ ए की मात्रा, कुछ ऊ की मात्रा हो सकता है। सवाल ऐसे पूछ सकती हूँ कि औ की मात्रा वाले शब्दों को चुनकर लिखिए करके, तो अलग अलग मात्राओं का शब्द देकर औ की मात्रा भी उसके बीच में दे सकती हूँ। तब आपको क्या करना पड़ेगा, औ की मात्रा वाले शब्दों पर सर्कल लगानी होगी, ठीक है ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है। या चित्र देकर भी उन चित्रों को पहचानने के लिए भी मैं दे सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, उसके अभ्यास कार्य देखते हैं हम, क्योंकि औ की मात्रा के साथ में एक जो कविता है उस कविता को हम स्किप कर रहे हैं, तो वो नहीं है आपके लिए, तो उसके बारे में कोई चिंता नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप पढ़ो, समझो और जोड़कर लिखो, ये अभ्यास कार्य आप हमेशा करते आए हो, ये आपके लिए बहुत आसानदायक है। इसकी क जमा औ की मात्रा जमा न बराबर क्या बन गया, कौन, है ना। हर किसी में औ की मात्रा को जोड़ते जाना है, मैं सिर्फ आंसर पढ़ते जाऊंगी। आप क्या करना है, आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पेज में आपको इन सब को कंप्लीट करना है। जैसे कि मौन, गौरी, शौक, बाद में क्या है, मौका, चौका, नौका, मौसा। देखिए, म जमा औ की मात्रा जमा सा बराबर क्या हो गया, मौसा, ठीक है। बहुत आसान वाला है ये, आप खुद कर सकते हो। बाद में है औ की जगह पर औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। यहाँ पर क्या दिए हैं इन्होंने, स्वरों को दिए हैं, आपको क्या करना है, स्वरों के जगह पर स्वरों की मात्राओं को लगानी है। जैसे कि द जमा औ जमा ढ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, औ को हटाकर औ की मात्रा को लगानी है। जैसे कि धौड़, चौका, मौज, तौल, है ना, त औ की मात्रा थौ ल थौल, स औ की मात्रा द सौधा, भ औ की मात्रा ना भौना, प औ की मात्रा धा फौधा, ल औ की मात्रा प्लस लॉट, है ना बच्चों, समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पे औ को हटाकर सिर्फ औ की मात्रा को लगानी है। तो बाद में है चित्रों के नाम लिखो, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, इन चित्रों के नाम लिखना है। जैसे कि पहला चित्र है प्लांट, प्लांट को हम क्या कहते हैं, पौधा कहते हैं। बाद में है नीचे क्रो, क्रो को हिंदी में क्या कहते हैं, कौवा। देखिए, क औ की मात्रा कौ वा आ लिखना है, ठीक है। बाद में है थौलिया, थौलिया मीन्स
टॉवल, उसके बाद में क्या है ये, खिलौना है ना, खिलौना टॉय है ना, खिलौना। तो समझ में आ गया ना बच्चों आपको कैसे करना है करके। उसके बाद में है नए शब्द बनाओ और लिखो। आपको क्या करनी है, नए शब्द बनाने हैं। अक्षरों को दिए हैं, उसके साथ में और एक अक्षर देकर आपको क्या करना है, उसको मिलाकर एक नए शब्द बनाना। जैसे कि लौकी, ल औ की मात्रा लौ, क इ की मात्रा की, लौकी। लौकी एक वेजिटेबल है, वाटर गॉड, ठीक है। चौकी, ठीक है, चौकी। बाद में है नौखा, मौखा। मौखा मतलब चांद से, नौखा मतलब है बोट। जैसे कि देखिए, खिलौना मतलब टॉय होता है ना, बिछौना। देखिए बाद में कचौड़ी, खाने का जो चीज़ है, पकौड़ी, ये भी एक खाने का, एक भोंडे के जैसे एक कुछ खाद्य है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, रंगीन अक्षरों पर औ की मात्रा लगाओ और पढ़ो। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों में रंगीन कलरफुल लेटर्स दिए हैं, उस लेटर के साथ में आपको औ की मात्रा लगाकर शब्द को पढ़ना है। जैसे कि बिछौना, नौकर, देखिए न औ की मात्रा, नौकर, नौजवान, खचोड़ी, मौसम, चौराह, पखौड़ी, गौरव, 14, 24, चौकीदार, सौदागर। जैसे कि उनमें से आपको मात्रा मिलाकर उसको शब्द को बहुत सुंदर से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। बाद में है यहाँ पे एक एक्टिविटी है, जैसे कि पेंसिल के पीछे वाले भाग को रंग में डुबाकर खिलौने में चित्र में खिलौने के चित्र में लगाओ। मतलब यहाँ पे जो टॉय का एक चित्र है, जो टेडी बेयर का एक चित्र है, उसमें आपको क्या करना है, पेंसिल का बैक पार्ट जो रहता है उसको कलर्स में डिप करना है, रंगों में डिप करके उसके ऊपर टैप करना है, डॉट 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 करके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आप अपने टेक्स्ट बुक में कर लीजिए, काफ़ी है एक एक्टिविटी। बाद में एक छोटा सा एक एक्टिविटी दिए है पौधे के बारे में। देखो, आओ देखो बीज से पौधा कैसे बनता है। तो आपको पता है ना बच्चों, पौधा कैसे उगाते हैं हम। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे से मिट्टी में गमला, एक पॉट लेना पड़ेगा। गमले में अच्छे से मिट्टी डालना है और थोड़ा बहुत तो फर्टिलाइजर, जो गोबर थोड़ा बहुत डालना है, और एक बीज लगानी है ना। कौन सा भी पौधे का बीज लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रागी ले सकते हो या चना ले सकते हो, उनका बीज लेके आपको क्या करना है, उसको मिट्टी में गाड़नी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको रोज थोड़ा थोड़ा करके पानी देना चाहिए, है ना। पानी, वो तो पानी तो ज़रूरी है पौधे को उगाने के लिए। उसके साथ में सनलाइट, देखिए तीसरे पिक्चर में क्या है, सनलाइट, थोड़ा बहुत धूप भी गिरना ज़रूरी है, तभी तो क्या होगा, वो बीज में से पौधा निकल के आता है। तो बाद में आपको फाइनली क्या मिलेगा, एक बहुत सुंदर सा एक फूल मिलेगा या पौधा मिलेगा। पौधे से फूल का पौधा है तो फूल खिलेगा, या सब्जियों का पौधा डालेंगे तो जैसे कि रागी या जैसे कि चने का आप लगाएंगे तो वहां पर एक पौधा उगेगा, चने का पौधा उगेगा, है ना। ये एक एक्टिविटी आप घर में कर सकते हो। यहाँ पे आप चित्र देख चुके हैं, तो आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर उन्होंने बारह कड़ी दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कितने सारे जो अलग अलग चित्र दिए हैं, उसके हिसाब से हमें क्या है, बारह कड़ी के साथ भी दिए हैं, और चित्रों को उनके नामों की शुरू की आवाज़ से लिखो। देखिए आवाज़ शुरू होने वाले आवाज़ से आपको लिखना है। तो पहला चित्र क्या है बच्चों, यहाँ पर ये आप खुद कर सकते हो। जैसे कि मैं एक दो बताती हूँ, जैसे कि कमल का चित्र है, तो क से कमल होता है, कौ से कौवा होता है, की से किसान होता है ना, के से केला है ना बच्चों, की से किताब, खा से खार, कू से कूदना, है ना। तो के से कैमरा, खाई से कैमरा, ये आप खुद कर लीजिए, और इवन इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगी, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यहीं पर हमारी पाठ समाप्त होती है, बहुत आसान वाला है ये, आप खुद करने का कोशिश कीजिए इसका आंसर। और बाकी का जो औ की मात्रा वाले शब्दों से शुरू होने वाले कुछ नोट्स भी देना है, इन सब नोट्स को मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगी, ठीक
ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आप देख सकती है क से देखिए उन्होंने मोस्ट ऑफ द भाराखड़ी दिए है। क खा की कू खू के खाई को खाऊ कम ऐसे दिए हैं। यहाँ पे कम और कहाँ नहीं है, खाऊ तक दिए हैं। आप इसके इस्तेमाल भी कर सकते हैं बाराखड़ी के हिसाब से, और उन चित्रों से आप मिला सकते हैं जो कि फर्स्ट लेटर शुरू होने वाले। जैसे कि यहाँ पे एक लड़की कूद रही है तो हमें कू के साथ मिलाना है। जैसे कि सेकंड लेटर यहाँ पे दिए है कू दिए है तो कू के साथ में उसको मिलाना है। बाद में कमल का चित्र है तो क के साथ में कमल मिलाना है ना। केला है पास में तो के साथ में केला मिलाना है ना बच्चों। बहुत आसान वाला है, आप खुद कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूंगी। धन्यवाद।